जामताड़ा में आजसू पार्टी का पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जामताड़ा पहुंचे, जहां पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण गुप्ता ने आदिवासी परंपरा के साथ हजारों कार्यकर्ताओं संग अपने आवासीय कार्यालय में भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम में दर्जनों लोगों को सुदेश महतो ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में सुदेश महतो ने पार्टी की मजबूती और आने वाले 2024 विधानसभा में जामताड़ा और नाला विधानसभा जीतने के लिए कार्यकर्ताओं संग विचार विमर्श कर सभी को टिप्स दिए। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सोरेन परिवार सिर्फ अपने लिए काम कर रही है, इससे राज्य का भला नहीं हो सकता है। राज्य में 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। 40 वर्ष से कम की आधा आबादी का हाथ खाली है, उनके पास रोजगार नहीं है। झारखंड में स्वास्थ्य व्यापार का हाल बुरा है। सोरेन परिवार आज तक कभी भी विकास की बात नहीं कही है। 2.5 साल तक सरकारी संस्थाओं का दोहन हुआ है। और कभी कभी ये भी लगता था शायद मजबूत पूरा ना हो पाए, क्योंकि मजबूती के लिए जो समर्पण चाहिए, नेतृत्व का सहयोग चाहिए, वो जो टीम वर्क होना चाहिए, शायद उसकी कमी थी तरुण भाई, और हमारे नाला के प्रभारी मास्टर साहब ने इस कमी को पूरा किया है। आज जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में काम कर रही है। आप सभी लोग पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, मुझे सीधे कार्यकर्ता सम्मेलन में आना था, मैं तो इसको बाद में भी अभी भी और बाद में भी बोलूंगा, जब कार्यकर्ता सम्मेलन हो तो सीधे कार्यक्रम में, लेकिन पूरा जामताड़ा फिर से सक्रिय हो गया है। लोगों को लगा एक चुनाव तो अभी खत्म थी, अगला कोई चुनाव आ गया क्या? कितना एग्रेसिव, इतना उत्साह कार्यकर्ता पार्टी के। मैं आपसे किसी एक चुनाव के संदर्भ में चर्चा करने नहीं आया, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता का बोध कराने के लिए आया हूं। ये जरूरत मेरे और मेरे पार्टी की नहीं है, ये जरूरत इस राज्य का है, क्योंकि आप या कोई कॉमन पब्लिक आम लोग गांव में बैठकर यदि थोड़ा बहुत राजनीतिक सोच या समझ रखते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बैठकर सोचते होंगे कि जिस प्रदेश की अपार संभावनाएं, जिस प्रदेश की संभावनाओं पर पूरा देश चर्चा करता है, वो प्रदेश हमारा जो सामाजिक दायित्व है गरीबों के बीच में, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, चाहे किसी का गरीब की लड़कियों का शादी का क्षेत्र में हो, चाहे किसी को कानूनी परेशानी का समय हो, अगर ऐसे समय में आप तरुण गुप्ता को याद करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 12 बजे रात में भी आपके साथ मैं यहां खड़ा रहूंगा, इतना विश्वास दिलाना। हमें 26 जिसने जो भी कार्यकर्ताओं ने कहा, जिस भी गरीब बच्चों के शादी के लिए खड़ा होने के लिए कहा, किसी के बीमारी के लिए खड़ा होने के लिए कहा, किसी की कानूनी लड़ाई के लिए खड़ा होने कहा, मैंने उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का प्रयास किया और आगे भी निरंतर करने का प्रयास कर रहा हूं। माननीय सुदेश महतो जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाला समय जामताड़ा विधानसभा आपके नेतृत्व में 1% लहराने का काम करेगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।